ओके हेलो एवरीवन. सो टुडे आई विल टेल यू दैट व्हाट इज अ मेट्रोनोम. सो व्हाट इज अ मेट्रोनोम? मेट्रोनोम इज अ डिवाइस और अ एप्लीकेशन यूज्ड बाय म्यूजिशियंस सो व्हिच प्रोड्यूस अ क्लिक साउंड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ओके सो यू कैन सी हियर दिस इज अ मेट्रोनोम एप्लीकेशन. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर. सो इन हियर यू कैन सी दैट 50 that this is a speed. You can change this like speed according to your comfort. Like now I will make it 100. Okay, now I'll make it 100, then after I will set it so it becomes 100. So when you tap this, you will get this sound, tick tick tick, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, so there is a so many advantages of metronome when we play with the metronome. For example, जब भी हम metronome के साथ like exercise हो या कोई भी songs को हम play करते हैं, तो ये हमारे like inner sense of timing को gradually improve करता है. For example, शुरू में जैसे हम play करते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता कि हम सही play कर रहे हैं या गलत play कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम play करते हैं तो हमें धीरे जो उसके आदत पड़ जाती है, तो आप रियलाइज करेंगे कि ग्रेजुअली आपका जो इंटरनल क्लॉक है वो मेट्रोनोम के साथ ट्यून हो जाएगी. अब जैसे हम अगर स्टार्टिंग में इसको हम प्ले करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, जैसे तो इस तरह से हम फिंगर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं मेट्रोनोम के साथ. कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी हम सॉन्ग्स को कर रहे हैं तो एक मेट्रोनोम के बीट के साथ. फॉर और दूसरा पहला इसका एडवांटेज है इनर सेंस ऑफ टाइमिंग को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है. ओके जो इसका दूसरा एडवांटेज है मेट्रोनोम के साथ प्ले करने का, लाइक कंसिस्टेंट टाइमिंग में प्ले करने की हमारी हैबिट हो जाती है. क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसमें विदाउट इंस्ट्रूमेंट सिंगिंग करना एक बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको रिदम लाइक बिगनर्स होते हैं तो वो रिदम्स को ध्यान नहीं देते, वो अपने मर्जी से अपने जब पॉज लेना चाहे पॉज लेके सिंगिंग करते हैं. लेकिन जब हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ सिंगिंग करना होता है लाइक ड्रम्स के साथ गिटार के साथ, तो हमें एक पर्टिकुलर रिदम सेक्शन के साथ प्ले करने में या गाने में बहुत दिक्कत आती है. तो जब हम मेट्रोनोम के साथ प्ले करते हैं तो हमारी एक हैबिट हो जाती है कि कंसिस्टेंट टाइमिंग के साथ हम प्ले करने की हैबिट होती है. क्योंकि आफ्टर ऑल एक्चुअली म्यूजिक इज ऑल अबाउट टाइमिंग, सो देयर इज अ प्रेशर फॉर प्लेइंग एट द राइट टाइम, यू नो. तो इससे हमें एक प्रेशर होता है कि हाँ हमें मेट्रोनोम के साथ प्ले करना है, हम कोई भी बीट मिस नहीं कर सकते. तो दूसरा एडवांटेज इज सेकेंड एडवांटेज इज या कंसिस्टेंट टाइमिंग. ओके सो थर्ड एडवांटेज इज लाइक यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेट्रोनोम के साथ अभी लाइक 100 बीट्स पर मिनट में प्ले कर रहा हूँ, लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप 100 BPM में कर पा रहे हैं या नहीं. तो आप पहले इसको 40 बीट्स पर या 50 बीट्स पर मिनट से कर सकते हैं. लाइक मैं 60 में करता हूँ इसको, तो लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से स्पीड को सेट कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि आप किस स्पीड में अच्छे से प्ले कर पा रहे हैं. तो आपको आप अपने कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको खुद पता लग जाएगा. तो थर्ड एडवांटेज इज दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस. ओके सो मेट्रोनोम में प्ले करने के और बहुत सारे फायदे, लेकिन ये जो तीन फायदे हैं इस चीज़ से हमें इतना फ़ायदा होता है कि हम कोई भी सॉन्ग आगे चल के फॉर एग्जांपल कोई ड्रमर के साथ गिटार प्ले कर रहे हैं या कोई भी रिदम इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के साथ प्ले कर रहे हैं, तो हमें अपने एक्चुअल टाइमिंग का पता रहेगा कि हमें किस टाइमिंग में प्ले करना है. सो फर्स्ट एडवांटेज इनर सेंस ऑफ टाइमिंग को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है. सेकेंड एडवांटेज इज लाइक कंसिस्टेंट टाइमिंग. एंड थर्ड एडवांटेज इज दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस. ओके सो अब आप सब लोग जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें या कोई भी सॉन्ग करें तो मेट्रोनोम के साथ प्ले करने